बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुभाष ठाकुर ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ सदर चुनाव क्षेत्र को लेकर डेवलपमेंट कार्यों को लेकर एक समीक्षा बैठक की तथा विकास कार्यों को प्रगति देने पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ऐसे काफी कार्य हैं जो सैंक्शन हो चुके हैं, जिनका शिलान्यास होना है, जिनको लेकर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में ऐसे कार्य भी हैं जो हुए हैं और ऐसे भी हैं जिन्हें अभी रोका गया है और कई कार्यों की गति कम है, उनको लेकर भी समीक्षा बैठक में चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बिलासपुर में कोरोना पर नियंत्रण पा लिया गया है और कोरोना के कम मामले देखने को मिल रहे हैं। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जितने भी डेवलपमेंट के कार्य रुके हैं उन्हें तेज गति से करवाया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर सड़क की समस्या आ रही है वहां पर सड़क की सुविधा भी पहुंचाई जाएगी। सदर चुनाव क्षेत्र के सभी हमारे जितने भी विभाग हैं उन सब के विभागाध्यक्ष और SC, SC PWD, SC IPH, SC इलेक्ट्रिसिटी और PO DRDA और जिला परिषद और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे जितने भी हमारे चुनाव क्षेत्र में जो डेवलपमेंट वर्क्स थे उनकी समीक्षा भी की गई और जो काम कंप्लीट हुए हैं उनको एनरोल किया गया और बहुत से काम हैं जो सैंक्शन हुए हैं और जिनके शिलान्यास होने हैं उनके बारे में चर्चा की गई। और कोरोना के दौर में कि कौन कौन से काम हैं जो जिनमें काम हुआ है और कौन से ऐसे काम थे जिनमें थोड़ा काम कम हुआ है उसकी हमने समीक्षा की है। और अब कोरोना जो ये महामारी है यह हमारे बिलासपुर में इस पे ऊपर कंट्रोल हुआ है, पूरे हिमाचल प्रदेश में कंट्रोल हुआ है। अब इसके तुरंत बाद सभी विभागों के साथ बैठ के हमने और सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठ के हम स्पीड अप करेंगे और हमने इसमें टाइम बाउंड भी किया है और सभी का हमें सहयोग भी मिला है और सभी ने कहा है कि जितना ये समय कोरोना काल में गया है इसको हम पूरा करेंगे और इस समय का भी जो कमी रही है उसको भी आगे पूरा करेंगे। तो पूरी बुलंदी के साथ और एनर्जी के साथ तालमेल के साथ गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं वर्क्स हैं